हेलो फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं लुलू। आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल जनरल कॉन्ट्रैक्ट मेकर। दोस्तों ये देख सकते हैं पूरा नया फ्लोर है, यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मुझे बोला था कि ड्राइंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारियाँ देने के लिए, मैं इसलिए आज आपको ड्राइंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारियाँ देने वाला हूँ। जितना मुझे मालूम है, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी जितना मालूम है मैं आपको शेयर करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा बैक कैमरा कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ड्राइंग एक मिला है, जो कि ये बिल्डिंग का लेआउट कुछ इस प्रकार से है। ओके, ये स्क्वायर है, एक साइड से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और जब थोड़ा अंदर की बात करें तो यहाँ पर हमको पहचान में कैसे आएगा। ओके, कुछ यूनिक हिस्सा जैसे कि अलग टाइप का कुछ है, तो ये जगह अलग है। ये एक सीढ़ी बीच से निकला हुआ है, जो ये बैरिकेड दिया गया है देख सकते हैं, ये ब्लॉक के आगे वाला ये हिस्सा क्या है कि उसका नीचे वाला फ्लोर को लिंक है, ऐसे ओपन सीढ़ी है। और यहाँ पर हम पर्टिकुलर यही जगह में किधर हम खड़े हैं, और ये जो बड़ा रूम देख रहा है ये भी एक यूनिक हिस्सा है, जो कि अलग टाइप का, ये सभी छोटा छोटा है। और इधर स्टेयरकेस है, ओके, इसी से आपको मालूम चल जाएगा। और बाकी छोटा में है तो आप ये कॉलम से भी पकड़ सकते हैं, ये कॉलम को पकड़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर ये स्टेयर केस थोड़ा अलग होगा, मतलब कोई एक कॉर्नर में होता है तो कोई इधर दिया होगा, किधर भी हो सकता है। और ये वाला जो सभी ये पहले से बन गया है बिल्डिंग बनाने का टाइम, और ये बाकी रहा बनाने के लिए, ये वर्क स्टेशन कुछ आएगा, इसमें कुछ कैबिन फैबिन होगा कुछ भी। ये देख सकते हैं यहाँ पर कैबिन है ज़्यादातर, ये अभी बना जाएगा, लेकिन ये सभी पहले से है। ओके, इधर तक ये सीढ़ी तक ये पहले से है। अभी बात आता है हमको कैसे पहचानना बोले तो हमको कौन सा ड्राइंग ये मिला। ये देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट का नाम है क्वालकम एफ बिल्डिंग लेबल 8, मतलब फ्लोर 8 है, सीलिंग रेशियो लेआउट। ये सीलिंग रेशियो का ड्राइंग है, टाइटल इधर से मिल जाएगा, 8 फ्लोर सीलिंग रेशियो। ओके, और सब्जेक्ट टाइटल बोले तो नेटवर्क लेआउट, मतलब एयरटेल या रिलायंस कुछ भी नेटवर्क का है, ये रेशियो डाला जाएगा उसमें से एक एक वायर आके उसका जो मशीन बैठेगा, जैसे कि हमारा मोबाइल को नेटवर्क आता है, ये सभी एक एक मशीन देख सकते हैं। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ऐसा टाइप का जगह जगह में इसका पूरा फ्लोर में बैठाया जाएगा। और बाकी रहा इसके साथ में भी एक कैमरा का भी आता है केबल, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कैमरा का सिंबल दिया गया है। ओके, और आपको यहाँ से मालूम चलेगा कि ये रेशियो है, तो रेशियो का कुछ इधर एक साइड में दिया गया है, थोड़ा बराबर से मैं दिखा देता हूँ, ये इसका साइज ही पता लगेगा। ओके, इसमें से भी कलर अलग अलग दिया है, जैसे कि रेड कलर का थोड़ा चौड़ा वाला दिख रहा है, और इधर साइज भी लिखा गया है 400x50mm सीलिंग रेशियो। ओके, इधर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, सिंबल लिखा हुआ है, कुछ बार कोड नंबर क्या कुछ मालूम नहीं ठीक से, नेटवर्क सीलिंग रेशियो लीजेंड। ओके, ये 300x50, 200x50, 150x50, 100x50। ओके, इसके बाद जो कमी आता है, और कमी का मतलब कम में रेशियो नहीं आता है, ये कॉन्डूट हो जाता है, PVC कॉन्डूट इन सीलिंग फॉर डेटा। ओके, और वो जो जंक्शन में जो बॉक्स बैठेगा उसका कुछ सिंबल दिया है रेड का, ऐसे 410x60 का जंक्शन बॉक्स, 210x60 का जंक्शन बॉक्स, ऐसा टाइप का इसका आप ये सिंबल से मालूम चलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेटा रूम जो है, मेन डेटा रूम यहीं से सभी जाने वाला है, सभी फ्लोर को जगह जगह में जाने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ग्रीन का निकला हुआ है, इधर तक आया हुआ एक ग्रीन का, यहीं से थोड़ा ब्लू का गया है, ये साइड को भी ब्लू का गया है। ओके, यहीं से मालूम चलेगा। तो पहले ग्रीन का चेक करेंगे, ग्रीन का क्या है,
यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन बोले तो 300x50 mm सीलिंग रेशियो, तो ये एक पीस ही 300x50। यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स बैठा है, बाद में ये जो छोटा रेशियो है इसका भी साइज पता लग जाएगा इसी से। ये थोड़ा ब्लू है, ये वाला हो गया 150, क्योंकि 300 को डिवाइड दो जगह में गया है, वो साइड को गया है ये साइड को गया है, तो 150x50 है। ये साइड को आधा गया है, ये साइड को ऐसे जाके ये बिल्डिंग का ये लास्ट तक गया है। ये पूरा सिंपल है, इसको पूरा अच्छी तरह से आप भी समझ जाएंगे। और जगह जगह में जंक्शन बॉक्स दिया गया है जो कि केबल खींचने के लिए ये लोग को इजी होगा बोल के। ओके, ये जगह में एक जंक्शन बॉक्स है, लास्ट में इधर तक आया है, यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स दिया गया। ओके, यहीं से कलर चेंज हो जाता है और भी पतला थोड़ा सा दिखाई देता है, देख सकते हैं यहाँ पर, इससे ये थोड़ा पतला है। तो ये जो कलर है, ये कलर यहाँ पर लास्ट में 100x50 mm का है। इसी तरह से है, ये मेन रूम है, सर्वर रूम। यहाँ से ऐसे गया ये लास्ट तक। ठीक उसी तरह ये साइड क्या किया, ये साइड को यहाँ से निकाला, ऐसे लेकर आया, ऐसे लास्ट तक लेके गया है। ठीक उसी तरह उसका अपोजिट साइड में ऐसे 300 का निकाला, यहाँ से 150 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, और यहाँ से ऐसे फिर आगे जाके यहाँ से 150 का, ओके, इधर 150 आया, इधर से फिर 100 का गया है, ये लास्ट हो के ये लास्ट हो गया है, कुछ इस प्रकार से है। आप ये जगह से सभी मालूम चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है ये लिफ्ट लिखा है, पैसेंजर लिफ्ट लॉबी, ये लिखा गया है पूरा डिटेल्स में, पैसेंजर लिफ्ट लॉबी, मतलब ये लिफ्ट को जाने के लिए ये जो जगह वेट करते हैं। बाद में ये सभी लिफ्ट है, 5 लिफ्ट यहाँ पर है। ओके, इसका भी सभी नाम दे दिया गया है, PL1, PL2, PL3 ऐसे कुछ है। यहाँ पर आएगा तो ये स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस को जाने के लिए इधर रास्ता है। ओके, इधर भी एक स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस का रास्ता इधर है। यहाँ पर एक सर्विस लिफ्ट दे दिया है। ओके, और ये जो बड़ा रूम दिखा रहा था ये भी मैकेनिकल रूम बोले तो AC रूम, इलेक्ट्रिकल रूम, सब लिखा गया है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये थोड़ा फ्लोर हम पहले एक शूटिंग कर दिया, वो वीडियो दिखा देता हूँ, उसी से समझ में आ जाएगा। ये साइड का यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ब्लू का हम मार्किंग किया, जो फायर पाइप के बाजू में ये वाला मार्किंग ऐसे लास्ट तक कर दिया मैंने। यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर इधर आने के बाद थोड़ा थोड़ा मार्किंग पता चलता है, आपको दिख रहा है मालूम, हाँ ये जो मार्किंग दिख रहा है, अभी मार्किंग हमारा चल रहा है। Hey!
क्या हो गया? बस क्या, असल में ये रूम को आने वाला है, ये होता है आईडीएफ रूम जो कि सर्वर रूम होता है। ओके, ये थोड़ा अंधेरा होके पड़ा है, इसका क्या, ये कॉर्नर में आने वाला है, एक वो साइड में आने वाला है, और जो दो ए साइड का 300 रेशियो में ए साइड में आने वाला है। ओके, ड्राइंग से जैसे दिखा रहा था बिल्डिंग का डिजाइन कुछ उसी प्रकार से है, और ये कॉर्नर थोड़ा उस तरफ को चौड़ा होके गया है ये कॉलम से, थोड़ा बता देता हूँ। एक्चुअली सीधा सीधा देखेगा तो ये कॉलम लास्ट है, लेकिन इधर से ये निकला हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पर सिविल वर्क भी नहीं हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर ग्लास प्लास भी कुछ बैठा है नहीं गया है। यहाँ पर देखेगा तो वो बिल्डिंग का बाहर साइड भी दिखाई देता है, और एक कुछ इस प्रकार का है। ओके फ्रेंड्स, यही था कुछ ड्राइंग के बारे में, जितना मतलब इतना छोटा वीडियो में नहीं बना सकते, सब कुछ बोल नहीं सकते।